अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुदा करे ऐसे ही हो। चले आज का नया दिन और नया ब्लॉग शुरू करते हैं। ट्रैवल सीरीज़ एट ए इन पेरिस और फिर उसके बाद पेरिस टू जर्मनी। तो मैंने लास्ट ब्लॉग अपना ख़त्म किया था, हम पहुंच गए थे कैलिस फ्रांस, जो उसकी पोर्ट है कैलिस, वहाँ पर। और उसके बाद हमने वहाँ से पेरिस पहुँचे और ये हम अपने चेक इन कर लिया। छोटा सा हमें क्यूट सा किचन भी मिला, उसमें देख के ही मेरा दिल किया कि कुछ करूँ और मैंने चाय बना के वहाँ पर पी, थोड़ा सा रिलैक्स हुए, ज़्यादा नहीं क्योंकि टाइम नहीं था। और फौरन ही हम निकल पड़े, जो गाड़ी है वहीं पर पार्क कर दी है क्योंकि टाइम कम है, हम लेके नहीं जाना चाह रहे अपनी गाड़ी के, वहाँ पर जाके पार्किंग का इशू होगा और पार्किंग ढूंढते ढूंढते हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम ले है टैक्सी और टैक्सी में हम जा रहे हैं शांज़लीज़े और एवेन्यू पे, वहाँ पर जाएंगे। और उससे पहले हम करेंगे बोट ट्रिप और उससे ये होगा कि बैठे बैठे और हम सारा जो एक सारे जो लैंडमार्क्स हैं, जो करीब करीब की जो जगह हैं वो हम देख लेंगे। और गर्मी भी है तो मज़ा आएगा, हवा मिलेगी अच्छी सी, सोचा यही है, ठंडी ठंडी सी हवा मिलेगी और होगा भी इंशाल्लाह ऐसे ही क्योंकि पानी में हमेशा अच्छा लगता है। तो बस वहाँ पर हमने ये देखा, हमने अपनी बोट ट्रिप शुरू कर लिया है और यहाँ पर बहुत ही मज़े का लगता है। इतना अच्छी ठंडी सी हवा थी और थके हुए थे, रात भी हम सोए नहीं थे ज़्यादा क्योंकि सुबह जल्दी हम लोगों ने निकला था और हमारा जो टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पर जो डोवर पे पोर्ट पे, वहाँ पर भी लंबी लाइनें थी, उसमें उसकी वजह से हम लोग बहुत थके हुए हैं। तो ज़रा दिल नहीं था वॉक करने का और चल के देखने का, और टाइम भी बहुत छोटा सा हमारे पास है तो छोटे से टाइम में ज़्यादा कुछ देखना है। तो इसी तरह है कि बोट ट्रिप कर लें तो सारा कुछ कवर हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने ये कर लिया। बस उसके बाद फिर हम जाएंगे शांज़लीज़े एवेन्यू पर और फिर वहाँ पर डिनर भी करेंगे और ये सब। तो ये देखें, इसमें करीब करीब की चीज़ें सारी नज़र आती रहती हैं, काफ़ी टाइम इसमें मिल जाता है, मुझे टाइम भूल गया कि कितनी देर की ये राइड थी। और इसके बाद लोगों ने बहुत शोर, यहाँ पर शोर मचाया हुआ है, अच्छा लग रहा था सबके साथ मिलके कुछ देखना, ज़्यादा मज़ा आता है जो कि अकेले आप देखो उसमें इतना मज़ा नहीं आता जितना लोगों के साथ देखिए, सब लोग कितने खुशी से और मज़े से इंजॉय कर रहे हैं सब। तो हमें भी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ये जब मैं यहाँ पर दो बार पहले भी आ चुकी हूँ और उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, वीडियोस तो बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं लेकिन वो ऐसी नहीं थी कि मैं इसमें मतलब मैं आपके साथ शेयर करूं, तो वो वैसे भी पुरानी हैं। तो अब जो है मैं इस दफ़ा जो आई हूँ तो टाइम भी कम है, सिर्फ एक रात का स्टे है और बस उसके बाद आगे जाना है, तो थोड़ा बहुत जो हो सकेगा वो मैं करूँगी। लेकिन हमें मज़ा आता है, एक तो ये जो शांज़लीज़े एवेन्यू है वो, और फिर ये एफिल टावर बस देख लें, ये नहीं बैठे बैठे एफिल टावर का भी व्यू हमने कर लिया और हमारी आंखें ठंडी हो गई हैं इसको देख के। जब भी आओ इसको देख के बहुत मज़ा आता है। तो अब आ गए हैं हम शांज़लीज़े एवेन्यू पे, यहाँ पर अब हम वॉक करेंगे थोड़ी सी। शॉप्स बंद होना शुरू हो गई हैं, कुछ बंद हो चुकी हैं और बस यहाँ पर डिनर भी करना है और थोड़ा सा अपना हम टाइम यहाँ पर करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे वापस अपने होटल और वहाँ पर करेंगे रेस्ट। दूसरे दिन उठेंगे और फिर हम एफिल टावर का विज़िट करेंगे। नाइट टाइम में एफिल टावर का व्यू बहुत मज़े का होता है, बहुत अच्छा लगता है, वो हम पहले कर चुके हैं, वीडियोस भी बना चुके हैं, तस्वीरें भी बनाई हुई हैं, तो इसलिए अब हम इस दफ़ा सिर्फ मॉर्निंग में देखेंगे और उसके बाद चलेंगे आगे का सफ़र शुरू करेंगे। तो अब ये हम जो हैं, ये जो इस स्ट्रीट पे जो घूम रहे हैं, तो ये देखें, ये जो साथ साथ शॉप्स बनी होती हैं, सोवेनियर्स जो मिलते हैं वो है। इस दफ़ा मैंने कुछ भी नहीं लेना, लास्ट टाइम जब मैं आई थी मैं यहाँ से अपनी शॉपिंग कर चुकी हूँ, मैंने यहाँ से टेपेस्ट्रीज़ वगैरह ली थी जो कि मुझे उस टाइप का चीज़ों का ज़्यादा शौक है, वो मैंने ली हैं और घर में लगाई भी हैं, आपको मैं दिखाऊँगी किसी दिन, तो बहुत ही वो प्यारी सी हैं, तो वो मैंने यहाँ से ले चुकी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ कोई ख़ास है नहीं कि मैंने कुछ लेना है। तो ये जो कपड़ों वगैरह की जो बच्चों की होगी अगर वो ब्रांडेड, वो यहाँ इतना ज़्यादा लेने का मुझे कोई होता नहीं है क्योंकि अमेरिका में मिल जाता है। तो बाकी यहाँ अब डिनर सोचा है कि इस वाले होटल में कर लें, तो हमने ये अपना डिनर मंगवा लिया और मज़ा आया। और यहीं पर बारिश बहुत शुरू हो गई थी,
इतनी ज़्यादा बारिश थी, तो हम लोगों ने कहा अच्छे टाइम पे हमने डिनर भी कर लिया ताकि बारिश बारिश में उसी में हमने रेस्ट भी हो गया। और उसके बाद जब हम निकले तो बारिश रुक गई थी। उसके साथ ही ये नाइकी का बड़ा सा स्टोर या आउटलेट्स को कहेंगे ये जो है, और इस पर हम गए और ये देखे बड़ी मज़े की डिफरेंट नई चीज़ थी जो कि मैंने कभी नहीं देखी थी। रोबोट था ये है, और इसमें बहुत बड़े बड़े शीशे के ही बॉक्सेस बनाए हुए हैं जिसमें शूज़ रखे हुए हैं, और आप आईपैड पे अपना डाल दो कि आपको किस मतलब नंबर्स हैं शूज़ के, कौन सा नंबर आपने शूज़ देखना है, 04 05 3 इस तरह, और वो जाता है और जाके वो वाला बॉक्स लेके आता है और आपको दिखाता है। तो ये बड़े मज़े की चीज़ थी। तो ये हम देखने के बाद अब आ गए हैं ये आगे निकलने, और तो रास्ते में चलते चलते ये रोलेक्स आ गई, ये मैंने कहा चले विंडो शॉपिंग ये भी दिखा दूँ थोड़ी सी। और इसके बाद अच्छा लग रहा था, रश बहुत ज़्यादा नहीं था। जब मुझे याद है पहले जब आई हुई हूँ बेनतहा रश था, बेनतहा गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा थी और रश भी बहुत था। अब बहुत ज़्यादा रश नहीं है लेकिन लोग हैं, और मास्क का अजीब ही है, वाकई मास्क लगाया भी जाता है और लगाना पड़ता है लेकिन ऐसा लगता है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और हाँ ये देखिए मिस कर दिया मैंने आपसे, ये से पहले एक एलवी की बिल्डिंग बड़ी सारी ऊंची सी वो थी, और मैं अब दूसरी साइड पे जाऊंगी वहाँ से भी आपको दिखाऊंगी, वहाँ से ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी, वो देखेंगे। नहीं मेरा ख्याल है कि अभी नहीं नज़र आएगी। तो वो बहुत ही पहले जब मैं आई थी मैं अंदर स्टोर पे गई थी इसके, लेकिन अब वो बंद हो गया, इस टाइम बंद हो चुका था तो अभी इस दफ़ा जाना नहीं हुआ। लेकिन ये मेरा ख्याल है 3 फ्लोर्स पे है, तो बहुत ही बड़ा इनका आउटलेट है ये। तो बस यहाँ पर अब घूमते घुमाते हम लोग ये देखें, यहाँ से मैं जो कह रही थी कि दूसरी साइड से ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, ये देखें ये ऊंची सी बिल्डिंग। तो ये सारी ब्रांड्स यहाँ पर हैं, और रश भी इस रोड पे बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा जब अंधेरा हो जाता है तब भी बहुत अच्छा लगता है, जब डार्क हो जाता है। वो जो एक और इनका लैंडमार्क यहाँ पर है आर्क डी ट्रॉम्फे, पता नहीं किस तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन है, वो है, वो भी बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये देखें एक सेफोरा जो कि बहुत बड़ा सा है, जो मैंने नहीं अभी तक विज़िट किया अमेरिका में, हालांकि इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स स्टोर्स होते हैं लेकिन सेफोरा मैंने इतना बड़ा नहीं देखा, तो यहाँ पर मुझे मौका मिला देखने का। ये भी एक मॉल है, और ये जो बाहर होटल इसी तरह ये लोग बैठे हुए हैं इंजॉय कर रहे हैं। अब तो वही बात होती जब ये बंद होना शुरू हो जाता, देखें यहाँ भी रश कम हो गया है, ख़त्म ही हो गया है, मुझे लगता है क्लोजिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पर क्लोज़ करना शुरू कर देंगे सारा कुछ। और फिर उसके बाद अब हम वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी का, अब लेंगे हम टैक्सी और जाएंगे घर। बहुत थक चुके हैं, ये जो वॉक थी अच्छा खासा लंबी, और एक एक मतलब जो जो खुला हुआ था अंदर तक गए और बाहर आए, बहुत थक गए। ये देखें अब ये इस तरह भी बैठ के कर रहे हैं। अब ये यहाँ की ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ही ख़राब है, हालांकि इंग्लैंड की इतना अच्छा, जर्मनी का बहुत अच्छा सब कुछ, लेकिन यहाँ लगता ही नहीं है कि ये यूरोप है। तो चले ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट किया है और उसके बाद हमने चेकआउट करके अपने निकल गए हैं कि हम थोड़ा सा ये एफिल टावर का विज़िट करेंगे और उसके बाद जल्दी ही लंच करके और फिर हम चले जाएंगे जर्मनी की तरफ निकलेंगे, क्योंकि 5 से 6 घंटे तो वहाँ भी लगेंगे। तो यहाँ पर हमने आज गाड़ी पार्क नहीं करनी है और ना इधर जाके वीडियोज़ या वो क्या कहते हैं तस्वीरें नहीं बनानी, क्योंकि ये पहले हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, बहुत दफ़ा इस जगह वॉक भी किया है और बैठे भी हैं, काफ़ी टाइम हमने इसके साथ यहाँ पर बैठ के गुजारा है। तो इस दफ़ा सिर्फ चलते चलते ये वीडियो बनेगी और कुछ भी नहीं। तो देखें कितना खूबसूरत, मज़ा आता है देख के, बहुत ही अच्छा लगता है, और हर दफ़ा दिल चाहता है कि इसकी वीडियो बनाएं और शेयर करें, बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत ही इतना है, तस्वीरों में बड़ा मज़े का लग रहा होता है। तो बस ये देखें लोग किस तरह आए हुए हैं, ये जो ओपन बस टूर होते हैं ये भी बहुत मज़े के हैं कि सब कुछ बैठे बैठे आप देखते जाओ, वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो अब हमने कहा कि चले लंच करते हैं, और लंच एक हमें एक लास्ट टाइम भी हमने किया था तो हमें ये बहुत मज़े का खाना लगा, तो सोचा कि इस दफ़ा भी वही करते हैं। तो ये देखें ये है कोई पास्ता है, कुछ ख़ास किस्म का था, और ये बर्गर इन लोगों ने मंगाए हुए थे बच्चों ने, और मैंने जो मंगाया था वो तो एक मज़े की चीज़ है। ये बैंगन और ऑलिव्स और केपर्स, इसका कोई बनाया हुआ था
बहुत ही मज़े का, खट्टा सा भी था और जो फ्रेश ऑलिव्स वगैरह आते हैं बहुत मज़े के लगते हैं। तो अब हमारा सफ़र शुरू हो गया जर्मनी के लिए, तो इंशाल्लाह चले अब नेक्स्ट ब्लॉग जर्मनी से होगा। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़।